Hello students, let's do this question. The question says give the correct order of initials T or F for the following statements. Use T if statement is true and F if it is false. Yeah. So, char, yahan pe 5 statement de rakhi hai aapko. Inke liye correctly ye batana hai kya hoga. Yeah. So, dekho pehla jo likha hai wo kya hai? Gay-Lussac's law of gaseous volumes is actually the law of definite proportion by volume. ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो लॉज हैं उसमें से दो लॉज इसमें स्टेटमेंट में मेंशन किए गए हैं पहला है गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम इसका मतलब है कि अगर दो गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं ठीक है दो गैसेस जब भी कभी कंबाइन करेंगी सो दे वुड डू सो इन अ होल नंबर रेशियो उनके जो वॉल्यूम्स होगा वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा या बट आपका जो इसमें दूसरा लॉ लिखा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया है लेट्स से कि मैंने H2O ले लिया तो इस H2O का चाहे कहीं से भी सोर्स हो कुछ भी सोर्स हो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा दो वन वो 2/16 का होगा दैट इज 1/8 का मास रेशियो ठीक है सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसी भी एक प्योर सब्सटेंस के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मास रेशियो बताता है जबकि गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एक रिएक्शन के दौरान दो गैसेस का मोलर रेशियो बताता है ठीक है मास मोलर 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 रेशियो मोलर वॉल्यूम्स का रेशियो बताता है ठीक है सो ये दोनों इक्वल नहीं है फॉल्स है ये स्टेटमेंट सेकंड में लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू फॉर फिजिकल चेंज बट नॉट फॉर केमिकल चेंज ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड सो ये जो लॉ है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज के लिए सो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है थर्ड में लिखा है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन H2O हेंस इट वायलेट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मैंने बताया कि किसी सिंगल सब्सटेंस के लिए होती है सो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 1/8 का है H2O2 के लिए कितने का होगा H2O2 के लिए हो जाएगा 2/32 That is 1/16 का मास रेशियो होगा सो जो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए है ठीक है सो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए दो डिफरेंट मास रेशियोज आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं कोइंसिडेंटली बट डिफरेंट भी आ सकते हैं ठीक है बट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों के अंदर अगर अलग आती है H2O के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी H2O के अंदर ऑक्सीजन की परसेंट हो जाएगी मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बोलूं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालो कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 और टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है आपका 18 है सो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1600 डिवाइडेड बाय 18 सो इट कम्स आउट 88.89% ये इतना परसेंट ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है H2O के अंदर लेकिन मैं अगर H2O2 बोलूं तो उसके अंदर कितना परसेंट मास परसेंट होगा ऑक्सीजन का 32/34 × 100 H2O2 का मोलर मास हो जाएगा 34 सो इट इज 3200 डिवाइडेड बाय 34 सो इट इज 94.12% सो दोनों के अंदर अगर दोनों कंपाउंड्स के अंदर अगर ऑक्सीजन का मास परसेंट अगर डिफरेंट है सो इट डजंट मीन कि वो लॉ ऑफ इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वायलेट करते हैं दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है यहाँ पर ठीक है सो मास परसेंट डिफरेंट हो सकता है दो कंपाउंड्स के अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वायलेट कर रहे हैं ठीक है सो यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया गलत हो गया या अच्छा अब फोर्थ में देखते हैं फोर्थ में लिखा है फिक्स्ड मास ऑफ ए रिएक्ट्स विद टू डिफरेंट मासेस ऑफ बी देन द रेशियो ऑफ x/y कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ये बिल्कुल ट्रू है ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है बेसिकली ये क्या लिखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस ए का आपने फिक्स्ड मास ले लिया और वो बी सब्सटेंस के दो डिफरेंट मासेस के साथ कंबाइन कर रहा है तो जो बी के जो दो डिफरेंट मासेस है जो यहाँ पर एक्स और वाई बोला है तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा ठीक है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं फिफ्थ में लिखा है एट STP 5 ml of H2 and N2 have different number of molecules
एसटीपी पे, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ली है, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने दोनों गैसेस अगर सेम कंडीशन पे लिए, सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे लिए हैं, तो उनका जो सेम वॉल्यूम अगर आप लेते हो तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, डिफरेंट नहीं, सेम करता है. सो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.